ये सारा एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहलाता है जो कि चाइनीज इन्फ्लुएंस इस इलाके में बढ़ाता है और भारत को घेरने की कोशिश करता है और चीन को नंबर वन बनने के लिए एशिया का मेन थ्रेट और कंपटीटर आप जो भी नाम ले वो भारत है। इसराइल का एरो एरियल डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने ईरान के स्ट्राइक को ऑलमोस्ट नेगेट कर दिया। सुन हमला देश के ऊपर बंदूक उठा चल देता हूं, है मौत का गम किसको, मैं खून धरा को देता हूं। किसी भी देश की सैन्य ताकत से उसके आवाम में सुरक्षा की भावना पैदा होती है और देश की रक्षा के खातिर अपने जान की बाजी लगाना त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण भी माना जाता है। भारतीय सेना ने कई ऐतिहासिक एयर बैटल लड़े हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान पर भारत की एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाने में मदद की है और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अभूतपूर्व कौशल का प्रदर्शन किया है। वीर चक्र, युद्ध सेवा मेडल जैसे सम्मान से नवाजे गए। अफ्रीका के कांगो में भारतीय सेना के कमांडर के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी जिनकी सराहना की गई। वायुसेना अकादमी हैदराबाद, हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण स्कूल सिकंदराबाद में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहे और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित 30 मित्र देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने वाली डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में प्रशिक्षण टीम के फैकल्टी और हेड डीन के रूप में भी कार्य किया। ग्रुप कैप्टन अतनु गुरु ने लड़ाकू स्क्वाड्रन की कमान कांगो अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र स्थापना अभियानों में भारतीय वायुसेना दल के कमांडर, वायुसेना मुख्यालय में निदेशक संचालन और वायुसेना चयन बोर्ड के अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला है। 2015 में रिटायरमेंट के बाद वो टीवी पर विभिन्न न्यूज चैनलों पर डिफेंस, एविएशन और सामरिक मुद्दों पर अपनी विशेषज्ञ टिप्पणियां देते नजर आते हैं। आज हमारे साथ रक्षा और सामरिक मुद्दों पर बातचीत के लिए ग्रुप कैप्टन अतनु गुरु मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार जी। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हिंद महासागर में चीन जिस रणनीति को डेवलप करता दिख रहा है उसे स्टिंग ऑफ पल्स के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। स्ट्रिंग ऑफ पल्स में बारे में चर्चा करने से पहले एक बार हमको जो इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट है इसके इतिहास पे हम अगर 3-4 मिनट समय दें तो हमें समझ में आएगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है और उसके बाद जो बोले नेकलेस ऑफ डायमंड्स है वो भी क्या है। देखिए अगर हम इतिहास में जाएं तो एक मैकमोहन लाइन का नाम सब लोगों ने सुना होगा। ये मैकमोहन थे ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जिन्होंने 1914 में एक शिमला एग्रीमेंट के मेन जो कार्यकर्ता थे वो उन्होंने सारे जो शिमला एग्रीमेंट 1914 के बारे में काम किया था और तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें ये बॉर्डर डिफाइन किया गया था बिटवीन तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया। सो ये इसी को मैकमोहन लाइन बोलते हैं। लेकिन चाइना का मानना है कि तिब्बत एक सोवरेन नेशन नहीं था, सो तिब्बत का कोई अधिकार नहीं है कि कोई वो ट्रीटी साइन करे जो चाइना को के क्षेत्र के बारे में कोई निर्णय ले सके। इसी कारण चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानती है। ये ऐतिहासिक इसकी बैकग्राउंड है। उसके बाद देखिए 1950 में जब पीआरसी ने शुरू किया तो 50 से 57 तक का जो दौर था भारत और चीन के बीच में काफी अच्छे संपर्क थे। जवाहरलाल नेहरू और चोन लाई भी काफी हद तक मिलते जुलते थे और बातचीत करते थे। प्रॉब्लम हुआ जब तिब्बत को एनेक्स किया चीन ने, भारत ने दलाई लामा द 14th दलाई लामा है उनको पॉलिटिकल असाइलम भारत में दिया। इसके चलते चीन ने इसको भारत को चीन के इंटरनल इश्यूज में दखल देना माना और उसको अच्छा नहीं लगा। इसके बाद एक 1959 में एक अपराइजिंग हुई थी तिब्बत में जो चीन मानता है कि भारत ने उनको उकसाया था और भारत के सपोर्ट से ये अपराइजिंग हुई थी। इसके चलते हुए चीन और भारत के रिश्ते खराब होने लगे और उन दिनों अगर हम जाएं तो दिल्ली में भी काफी
माहौल ठीक नहीं था इस बारे में, तो भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक पनिकर जी हैं, इन दोनों ने बोला था कि हमको चीन की सीमा में हमारी फौज को की तैनात करनी चाहिए और मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सॉरी पनिकर जी ने ये नहीं चाहा कि हम चीन को इनसाइट करें, बिकॉज चीन को तब भी हम थोड़ा सा शक्तिशाली मानते थे, और जो सरदार पटेल के साथ थे वो थे गिरजा शंकर वाजपेयी, जो कि भारत की सैन्य काबिलियत को चीन के मुकाबले में बढ़ाना चाहते थे, ये बैकग्राउंड थी। लेकिन उन समय चीन के पास काफी अलग समस्याएं थे, तो उन्होंने भारत चीन बॉर्डर डिस्प्यूट को एक बैक बर्नर में रखा था, कोल्ड स्टोरेज में। लेकिन जब 1959 के बाद उन्होंने सोचा कि भारत चीन के इंटरनल मामले में दखल दे रहा है, तो उन्होंने ये भारत को एक सबक सिखाने के लिए 1962 की जो लड़ाई हुई, उन्होंने तकरीबन तकरीबन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके बाद वो वापस चले गए। इस लड़ाई के दौरान भारतीय सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और भारतीय वायुसेना को भारत ने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उस समय ये सोच थी कि अगर भारतीय वायुसेना को भी शामिल कर दें शायद वॉर एस्केलेट हो जाएगा, और हम उस वक्त हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम चीन का सामना कर सके। ये रही बैकग्राउंड। अब आते हैं जो बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है एक मोती की माला है। देखिए बेसिकली ये एक चाइना का स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, जिससे वो पूरे इंडियन पेनिनसुला को एक तरह से घेरना चाहती है। इसमें पहली बात क्या है, ये है थ्रेट टू इंडियाज मैरिटाइम सिक्योरिटी। दूसरी बात है इंडिया जो भारत की हमारी इन्फ्लुएंस है हमारी नेबरिंग कंट्रीज में, उसको वो घटाना चाहती है बाय फॉस्टरिंग टाइज विद श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब से वो अपने पैसे लगा के उनको इन्फ्लुएंस कर रही है और भारत की जो इन्फ्लुएंस है उसको घटा रही है। तो चाइनीज व्यू पॉइंट से क्या है, पहली बात है कि जो उन्होंने 1900 फरवरी 2016 मैं फर्स्ट ओवरसीज नेवल बेस चाइना ने जिबोती में किया, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। जिबोती हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है और उनका पहला ओवरसीज नेवल बेस उन्होंने यहाँ फेब 2016 में बनवाया, जिसका बैकग्राउंड 2013 में अप्रूव हो चुका था। नाउ ये इसके ये सोमालिया के साउथ में है, इथियोपिया साउथ वेस्ट में है, एरिट्रिया नॉर्थ में है, और उसके दक्षिण में है रेड सी और गल्फ ऑफ ईडन। उन्होंने ये पक्ष रखा कि वे जिबोती में एक नेवल बेस बना रहे हैं टू एंटी पायरेसी को देखने के लिए, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, लेकिन उनका मकसद था भारत को घेरने के लिए, ये उनका पहला कदम था। दूसरा पोर्ट आता है पाकिस्तान में ग्वादार, वहां पे वे चीन के फाइटर्स भी ले जा सकते थे। तीसरा है मॉल्डीव्स। मॉल्डीव्स में चाइना का मिलिट्री प्रेजेंस था, और आप देखिए जो प्रेजेंट चाइनीज प्रेजेंट है, करेक्शन मॉल्डीव्स प्रेजेंट है मुइजी, वो प्रो चाइनीज हैं और भारतीय सेना को वहां से बाहर निकलने का वो बोल चुके हैं। चौथा है श्रीलंका में। 2017 एक हेमनकोटा पोर्ट है जिसको चाइना को उन्होंने दिया, चाइनीज बनी से ये तैयार हुआ और 70% लीज चाइना को दे रखा है। आज यही ऊपर बांग्लादेश, बांग्लादेश का चिटागंग पोर्ट में भी चाइना का काफी इन्वेस्टमेंट है और चाइनीज इन्फ्लुएंस है। सिक्स्थ है म्यांमार। म्यांमार में भी चाइना का दबाव है। सो अगर आप जिबोती से शुरू करें,
राइट द वे डाउन ग्वादर, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सारा एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहलाता है जो कि चाइनीज इन्फ्लुएंस इस इलाके में बढ़ाता है और भारत को घेरने की कोशिश करता है। अब इसमें चाइना का अगर आप उनकी तरफ की बात सुने तो वो कहते हैं कि उनका मेजर जो ट्रेड है वो मेजर ट्रेड इसी रूट से फ्लो करता है, तो अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं करें इसको और अगर कल भारत उनके ट्रेड को रोकना चाहे तो उसके सिक्योरिटी के लिए वो लोग इसको बना रहे हैं। तो ये जिबोटी जो है उसमें एक स्ट्रेट ऑफ मेंडेव है, स्ट्रेट ऑफ मेंडेव में 50% ऑयल इंपोर्ट जो चाइना के हैं उसी रास्ते से आते हैं और ये मेडिटेरियन सागर को भारतीय महासागर से कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो मलेशिया के दक्षिण में है 25% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके गुजरती है और एक स्ट्रेट ऑफ हरमूज है जो ओमान के उत्तर में है। ये तीनों जो स्ट्रेट्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की बात करें तो इन तीनों स्ट्रेट्स का महत्व बहुत ज्यादा है। तो चाइना चाहती है कि वो इन सब पे कंट्रोल रखे, इन्फ्लुएंस रखे, ताकि अगर कल उसके ट्रेड पे कोई इफेक्ट आए तो वो अपनी नौसेना को यहाँ रख के अपना इन्फ्लुएंस बना सके। अब इसका काउंटर मेजर क्या है? इसका काउंटर मेजर जो कहीं पे रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन एक कहा जाता है नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रेटजी। ये ललित मान सिंह जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, एम्बेसडर थे, 2011 में इसका जिक्र हुआ था कि इसका काउंटर मेजर है नेवल कोऑपरेशन एंगेजमेंट्स और डेवलपमेंट ऑफ एड्स इन्वेस्टमेंट्स। ये हमारे जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के काउंटर करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड जो देश है। पहला क्या है? पहला अपना ही क्षेत्र है, बंगाल सागर में हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, इसको हम लोग मॉडर्नाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हम 3 वायु अड्डा बना चुके हैं और जो अभी लेटेस्ट हुआ है INS कुहासा, ये इंडोनेशिया के काफी करीब है और ये एक मेजर चिंता है चाइना के लिए क्योंकि ये भारतीय टेरिटरी है और इसपे ऊपर हमारा एक कमांड भी है, जॉइंट कमांड है अंडमान निकोबार कमांड। लेकिन पहले हमारा यहाँ इस आइलैंड्स पे मिलिट्री प्रेजेंस कम था, हम धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं और मॉडर्नाइज कर रहे हैं। दूसरा है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट जो है जो सुमात्रा में है, ये भी भारत एक डीप सी पोर्ट के तौर पे डेवलप कर रहा है इसके माउथ पे। तीसरा छांगी पोर्ट जो सिंगापुर में है, 2017 में एग्रीमेंट हुआ है सिंगापुर और भारत के बीच में जिसपे भारतीय जहाजों को वहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा और भारत इसको डेवलप करने में मदद करेगा। फोर्थ फिलीपींस, देखिए फिलीपींस और चाइना के संपर्क भी अच्छे नहीं है, इनफैक्ट चाइना का संपर्क किसी भी देश के साथ अच्छा नहीं है बारिंग रशिया अभी और मे बी ईरान। सो फिलीपींस में एक 2022 में हमने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट किया है, तो फिलीपींस ने हमसे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदा है और हमारा मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ रहा है। पांचवा 2016 में वियतनाम के साथ भी हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है जिससे हम उनको आकाश मिसाइल सिस्टम, ध्रुव हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करेंगे। छठा, जापान भी नहीं चाहता कि चीन अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको हम रोक सकें, तो जापान भी भारत की मदद कर रहा है और जापान मार्च 2021 में जो अंडमान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है उसमें मदद कर रहा है। जापान का और एक है जो ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस और इंडिया मिला के
एक क्वाड बना है। ये बेसिकली क्वाड बनाया गया है कि चीन का प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में जैसे हम कम कर सके। जापान के बाद मार्च 2022 में कोलंबो पोर्ट श्रीलंका में जो है उस पे भी भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और चाइना का जो इन्फ्लुएंस था उनके दूसरे पोर्ट में हम्बन टोटा उसको कम करने के लिए कोलंबो में भी हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। फिर आगे आ जाइए मंगोलिया। मंगोलिया 2015 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद वो 2015 में वहां विजिट किए थे और उनके साथ भी $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन खोला था, जिसके मुताबिक उनका जो एक डोर्नो गोवी प्रोविंस है वहां पे भारत एक ऑयल रिफाइनरी खोल रहा है। और लास्ट है ईरान का चाबहार पोर्ट, जो भारत को वहां इस्तेमाल करने की अनुमति मिली थी, लेकिन इसमें इजराइल और ईरान का जो अभी लड़ाई चल रहा है उसमें शायद बिकॉज ईरान इज टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना और रशिया, तो हमारा इन्फ्लुएंस ईरान के ऊपर शायद कम हो जाए। एक और पोर्ट है ओमान का दुकम पोर्ट, यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास, यहां भी हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और ये पोर्ट है जिबोती जो अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ग्वादर पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में दुकम पोर्ट ओमान का है। बारवा सेशल्स, सेशल्स में एक एजम्सन आइलैंड है जो माहे आइलैंड के साउथ में है, इसमें भी भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, लेकिन उनको एप्रिहेंशन है कि शायद भारत उनके सोवरेनिटी को इफेक्ट करे, तो वो भी थोड़ा सा एप्रिहेंसिव है और इसमें शायद हमारी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो सका है। एंड लास्टली मॉरिशियस, मॉरिशियस में जो अग्लेगा आइलैंड है 3500 किलोमीटर साउथ ऑफ इंडिया, यहाँ पे $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत ने किया हुआ है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना का इनिशिएटिव है डिक्लेयर्ड ऑलमोस्ट, और जो नेकलेस ऑफ डायमंड्स अनडिक्लेयर्ड, भारत भी कोशिश कर रहा है कि हम इसका काउंटर मेजर करें। तो मोटे तौर से अगर देखें चाइना चाहता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखे और भारत चाहता है कि हम कैसे इसको रोकें और हम अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखें। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के काउंटर में नेकलेस ऑफ डायमंड्स के बारे में आपने बताया, अब जरा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। शी जिनपिंग कभी भी ऐसे नेता नहीं रहे जिन पर भारत भरोसा कर सका हो, ऐसा क्यों है? भारत के संबंध में उनकी नेतृत्व शैली में क्या अनोखी बात है? देखिए जी पिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उनका ड्रीम बोले या मकसद बोले या जो उनका एम्बिशन बोले कि 2049 तक चीन विश्व का नंबर वन पावर बनना चाहिए। 1950 से लेकर 2050 तक जब 100 साल पूरे होंगे, सेंटरी सेलिब्रेशन होगा, तो ये चाहते हैं कि उनके नेतृत्व के बेस पर चीन अव्वल नंबर पर आए। और चीन को नंबर वन बनने के लिए एशिया का मेन थ्रेट और कंपटीटर, आप जो भी नाम ले, वो भारत है। तो भारत को अगर चीन पीछे रखता है तो उसका जो ड्रीम है कि विश्व का नंबर एक पावर बन जाएगा, वो शायद हासिल हो जाएगा। इस रास्ते में भारत को कैसे वो नीचे दिखाएं? देखिए ये तो तय है कि आज के दिन में जो चीन की इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा है। 1990 या 95 में हमारी जो जीडीपी थी कम से तकरीबन बराबर थी, अभी वो ऑलमोस्ट 5 times है। उनका एक 18 trillion इकोनॉमिक जीडीपी है, हमारा 3 trillion है, तो 6 times हमारे जीडीपी के बराबर है वो। उसके बावजूद भारत का जो ग्रोथ रेट है आज विश्व में नंबर एक है, 6.8% आज के दिन में, और चाइना का अराउंड 4.5% है, 4.6%। तो चीन मानता है कि भारत एक ही देश है जो उनके ग्रोथ,
में बाधा डाल सकता है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, हम सब कहते हैं कि 1962 अलग था और 2020 अलग था। 2020 15 जून को जो गलवान में चीन ने हमला किया था, माइनर इंकर्जन बोलिए, ये बहुत लोग मानते हैं कि शायद ये लोकल लेवल पे इंफ्रिंजमेंट हुआ हो, लेकिन कुछ और लोग मानते हैं कि ये लोकल लेवल का नहीं था, ये एक अच्छी प्लान्ड स्ट्रेटजी थी, लेकिन उनको अपने सुपरियरिटी पे इतना भरोसा था कि वो भारत की कैपेबिलिटीज का अंदाजा नहीं लगा सके। वो नहीं सोचे कि भारत भी उनको मुंह तोड़ जवाब देगा, और जो हुआ वो शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर आप 1962 के बाद देखें, चाइना डज नॉट वॉन्ट टू हैव अ वॉर विथ इंडिया। हम भी ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि दोनों देश को पता है कि अगर हम लड़ाई की ओर बढ़े तो हमारी आर्थिक स्थिति पिछड़ जाएगी। और 1950-60 जो 62 में चाइना वापस चला गया टेरिटरी के कब्जा करने के बावजूद, ये दर्शाता है कि हमको अपनी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारनी पड़ेगी। अगर आर्थिक स्थिति सुधारे तभी जाके हम बाकी कुछ कर सकते हैं। बोलते हैं टू गेट अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, उससे पहले हमको एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी चाहिए। देखिए हमारा जो डिफेंस बजट है वो चाइना का 1/3 है। ये बात और है कि चाइनीज टेरिटरी हमसे ज्यादा है, चाइनीज इश्यूज हमसे बहुत ज्यादा हैं। हम लोगों ने इनहेरिट किया है एक जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो बहुत बुरा है, एक तरफ पाकिस्तान दूसरी तरफ चाइना। लेकिन चाइना के भी नॉर्थ में मंगोलिया है, साउथ चाइना सी है, वियतनाम है, जापान है, तो उनका भी किसी भी देश के साथ ताल्लुक अच्छे नहीं है। तो चाइना इज इन अ वे काइंड ऑफ आइसोलेटेड एक्सेप्ट रशिया और नॉर्थ कोरिया और मे बी अभी ईरान। तो जब भी भारत ने कोई एफर्ट लिया है टुवर्ड्स इंप्रूविंग रिलेशंस, प्रेजेंट ऑफ चाइना को ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो ये बोलूंगा मुश्किल तो इज अ वेरी वेरी सोबर वर्ड। और एक कुछ लोग बोलते हैं कि वन इज ट्रस्टिंग अ नेशन, वन इज वेरीफाइंग इट। हम एट द सरफेस लेवल ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको वेरीफाई करने पड़ेगा उनका मकसद क्या है, उनके इंटेंशन क्या है, उनका गेम प्लान क्या है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको दोस्तों के साथ करीब रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो पोटेंशियल हमारे दुश्मन हैं, पोटेंशियल एनिमीज हैं और डिक्लेयर्ड एनिमीज हैं, वी शुड बी क्लोजर टू देम। क्योंकि अगर हम उनसे वार्तालाप जारी रखें तभी हमें कुछ अंदाजा होगा कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। सो व्हाइल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भारत और चीन के संबंध अच्छे हों, लेकिन जी पिंग जो राष्ट्रपति हैं वो ये नहीं चाहते। अब देखिए 4-5 दिन पहले की बात है, मोदी जी ने ये बोला कि हमें चाइना से संबंध अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हम दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं है बट दुनिया के लिए भी अच्छा है, और बाकी जो हमारे इलाके में जितने देश हैं उनके लिए भी अच्छा है। और उनके जो एक फॉरेन स्पोक्स पर्सन है, उनका नाम बोल रहा हूँ, लेडी है, उन्होंने भी इसको वेलकम किया। मतलब वो मॉनिटर किए हैं जो मोदी साहब प्रधानमंत्री ने बोले, और वो भी बोले कि हम एक तरफ बॉर्डर डिस्प्यूट रखते हैं और बाकी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। बिकॉज देखिए आज के दिन में सारे देश एक दूसरे के साथ रहकर अगर आगे बढ़े तो सबकी समृद्धि होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये होता नहीं है। तो जो अभी के परिस्थितियां हैं इसमें भारत को चीन से संबंध बनाए रखना जरूरी है, लेकिन उनपे विश्वास करना, उनपे ट्रस्ट करना, ये खतरे से खाली नहीं है। इसलिए भारत को राष्ट्रपति जी पिन से आशाएं ज्यादा करनी नहीं चाहिए,
और ये जो मैकमोहन लाइन है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसका समाधान हमको इन द नियर फ्यूचर लग नहीं रहा है। तो द बेस्ट ऑप्शन जो हमको हो सकता है कि एक तरफ हम बॉर्डर डिस्प्यूट रखें, जैसे 1967 के बाद 2020 तक तकरीबन कोई भी मेजर बॉर्डर कंफ्लिक्ट नहीं हुआ था। 67 में भी उन्होंने कोशिश किया था सिक्किम में, लेकिन उनको मुंहतोड़ जवाब मिली थी और उसके बाद कोई भी मिस एडवेंचर नहीं हुआ था। लेकिन जब से जी पिन का जो अरमान बोलिए, आशा बोलिए, ड्रीम बोलिए, टू ब्रिंग चाइना एज नंबर वन कंट्री इन द वर्ल्ड, और उनको ये भी पता है कि इंडिया इज ग्रोइंग फास्टर देन नाउ, और जो इंडिया का ग्रोथ रेट है उनसे ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज चाइना का वो जो ग्रोथ रेट डबल डिजिट था वो अभी नहीं हो सकता, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं। और जो भी भारतीय चाइना जा चुका है, लाइक मैं 20 दिन चाइना में रहा हूँ, हमको पता है उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट हमसे बहुत बहुत ज्यादा है। तो इन परिस्थितियों को देख के हम चाइनीज प्रेसिडेंट पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जी। भारत के कई परेशान करने वाले पड़ोसी हैं और लंबे समय से भारत ने मुख्य रूप से पाकिस्तान पर ही ध्यान केंद्रित किया है। क्या हमने चीन द्वारा संभावित रूप से होने वाली परेशानी को नजरअंदाज कर दिया और इसने हमें आज बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है? देखिए, हमको जब आजादी मिली 1947 में, हमारे चुनाव हुए नहीं थे, भारत एक रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ नहीं था, 1948 में ही पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, और नेहरू जी बहुत शांति प्रिय प्रधानमंत्री थे, नेता थे, उनका दबाव सेना को बढ़ाना नहीं था। इस परिस्थिति में भारत को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने फिर आक्रमण किया, 1971 में खूब लड़ाई हुई जिसमें एक नया देश बांग्लादेश पैदा हुआ, 1999 में जो कारगिल वॉर है उसको वॉर नहीं बोलते, लिमिटेड वॉर बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो एक डिक्लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट था। उसके बाद भी पाकिस्तान रूटीनली भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश जारी रखता है, जो पिछले 10 साल से बहुत कम हो गया है, बिकॉज हम सतर्क हैं, हम तैयार हैं, और हम ये मैसेज दे चुके हैं कि अगर आप हमको नुकसान पहुंचाओगे तो हम भी आपको वहीं मारेंगे जहां पे दर्द होता है। ये हमने साबित कर दिया है, एक बार नहीं दो बार। तो इसलिए पाकिस्तान भी अभी थोड़ा सा केयरफुल है। अब आते हैं चाइना का। देखिए, चाइना का जो कैपेबिलिटी है हमसे ज्यादा है, मैं ये बोल चुका हूँ, बिकॉज देश हमसे बड़ा है, वो एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, वो जो चाहते हैं हो जाता है, जहाँ की डेमोक्रेसी में कुछ भी सरकार चाहे उसको फल आने में समय लगता है। तो जैसे चाइना ने इंडिया को इग्नोर किया, बॉर्डर डिस्प्यूट को परे रखा 62 तक, उसके बाद भी दे कंसंट्रेटेड कि उनका देश कैसे आगे बढ़े। तो हमने भी चाइनीज थ्रेट हमेशा रहा है, ये नहीं कि चाइनीज थ्रेट रहा नहीं। 1987 में मेरे को याद है, जब मैं ईस्ट में पोस्टेड था, तो चाइना का एक पोस्ट है, तब भी एक चल रहा था ऑपरेशन जिसमें हम जाके वहां पे हमारे सेना तैनात किए थे नॉर्थ ईस्ट में। तो हम अपने फोर्सेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन इतने सालों में हमने हमारे जो नेफा के रोड्स हैं उनका डेवलपमेंट नहीं करवाया था। क्यों नहीं करवाया था, इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, वो डिसाइड करेंगे और वो अपने अपने एनालिसिस करेंगे। लेकिन एक सोच ये भी थी कि अगर हम अपने रोड्स वहां पे अच्छे कर दिए तो शायद
शायद चीन उसी रोड्स को इस्तेमाल करके हमारे प्लेन्स तक पहुंच जाए, लेकिन अभी वो सोच बदल चुकी है। तो हम पाकिस्तान के साथ व्यस्त थे, वी वर ऑलवेज एंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद देम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सो इसलिए हमारा ध्यान चीन पे था, लेकिन हमने कभी उस हद तक इसको पब्लिक नहीं जताया। और द प्रीवियस जो हमारे गवर्नमेंट्स थे दे वर आई विल से रादर माइल्ड, ये नहीं कि वो जो पॉलिटिकल विल होता है दर्शाने की हमने भी शक्ति है, ये 1962 नहीं है, वो पहले शायद नहीं था, पिछले 10 सालों में ये थोड़ा सा जो हमारा इंडियन प्राइड बोलिए भारतीय जो भारतीयता है ये उभर के आ रही है, और शायद यही वक्त है। आप देखिए जब से अब किसकी मोदी जी बोले या बीजेपी की सरकार बोले या भारतीय सरकार बोले, ये जो आत्मनिर्भरता की दौड़ चली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आत्मनिर्भरता पे हम नहीं चलते हम चीन के मुकाबले कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि कल अगर लड़ाई हुई तो अगर मुझे किसी और देश के हवाई जहाज, किसी और देश के टैंक, किसी और देश के आर्म्स और एम्युनिशन पे डिपेंड करके लड़ाई लड़नी पड़े तो मुझे उन देशों पे डिपेंडेंस बढ़ जाती है, तो मेरी जो और हमारे देश का जो सोच है अगर हम उनके लाइन को टो ना करें तो शायद वो हमको वो सप्लाई ना करें और हम लड़ाई लड़ने के काबिल ही ना रहें। देखिए कुछ सालों पहले हमारा एंटायर एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट बारिंग ए फ्यू सारे इंपोर्टेड थे, अभी भी हैं, लेकिन अभी हम जो तेजस जहाज हमारे देश में तैयार कर रहे हैं, विक्रमादित्य के बाद जो INS विराट बना है वो हम खुद तैयार कर रहे हैं इंडिजिनसली, और हमको ये अभी काबिलियत मिल गई है कि हम अपने जहाज, अपने हवाई जहाज, अपने जहाज, अपने टैंक, अपने बंदूक खुद तैयार करें। तो जब ये अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन ये अभी दिल्ली बहुत दूर है, मे बी नेक्स्ट 10-20-30 साल में हमको ये कैपेबिलिटी मिल जाएगी जहां पे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं लड़ाई लड़ने के क्षेत्र में, कि हम हमारे अपने ही वेपन से हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। जो चीन अपने जहाज खुद बनाता है, सो ये डिफरेंस जो चीन और भारत में है ये पहले हम उसको ये गैप को ब्रिज करना पड़ेगा, और इस गैप को ब्रिज करने के लिए हम अब सही दिशा में चल रहे हैं जहां की हमें अपने डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करना पड़ेगा। डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत इन्वेस्टमेंट है और बहुत पैसा भी है, तो अगर हमारे डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करें हमारी आर्थिक अवस्था भी सुधरेगी और हमारी जो क्षमता है, हमारी कैपेबिलिटी है लड़ाई लड़ने की, दूसरे देशों को वेपन्स एक्सपोर्ट करने की, ये भी बढ़ जाएगी, तो हमारी दुनिया में हमारा जो दबाव है वो भी महसूस करेंगे और हमको ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट मिलेगी। JJ-11 ड्रोन के जरिए जंग की तैयारी का नजारा सिंगापुर में एयर शो में चीन ने दिखाया है, ऐसे भारत एविएशन के क्षेत्र में कितना तैयार है? देखिए JJ-11 जिसको होंगडू बोलते हैं, शॉर्ट सोर्ड प्रेसिशन स्ट्राइक, ये इसका पहला फ्लाइट 2013 में शुरू हुआ था, 2013। इसके दो मकसद हैं, प्रेसिशन स्ट्राइक और एरियल रिकनेसेंस। ये तकरीबन 40 फीट लंबा है, 2000 kg तक के वेपन लोड लिया जा सकता है और रेंज 4000 किलोमीटर है। तो ये चाइना का एक मेजर अचीवमेंट है, और अगर मैं आगे बोलूं तो उनका जो नेक्स्ट इन लाइन है एक MD-22 गुआंगडोंग एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री रिसर्च ने, ये अमेरिकी के जो F-22 है रैप्टर, उससे भी एरोडायनेमिक एफिशिएंसी से बेहतर माना जाता है।
ये अभी तो टेस्ट राइट हुआ नहीं है, लोगों को पता नहीं, लेकिन आपने जिक्र किया जीजे 11 वो तो है ही है, लेकिन उससे कई ज्यादा सूक्ष्म जो MD-22 है, ये 600 kg वेपन लोड लेके 7 मैक साउंड के 7 टाइम स्पीड पे 8,000 किलोमीटर तक की रेंज तक जा सकता है। और ये जो मिंग इसको MD-22 है, इसको मिंगडी बोलते हैं, उसका मतलब है विस्लिंग एरो। एक चाइनीज हिस्टोरियन थे सीमा क्यूआन, ये 2000 पहले उन्होंने बोला था कि व्हेन द विस्लिंग एरो इज फायर्ड एनीवन हु डज नॉट ओबे द पर्सन हु फायर्ड इट विल बी एग्जीक्यूटेड और ही विल बी एग्जीक्यूटेड। ये 2000 पुराना जो मिंडी का एक शब्द था उन्होंने MD-22 का नाम दिया है। सो एक तो GJ-11 है, उसके ऊपर MD-22 है, और इस मामले में वो हमसे कहीं बेहतर आगे हैं। इसका इलाज हमारे पास भी है, लेकिन क्या है, हमने अभी MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स यूएस ने 31 हमको बेचने का अप्रूवल दिया है, लेकिन बात वहीं घूम फिर के आ जाती कि हमने 31 खरीदा बहुत पैसे दे के, वो भी यूएसए से। जब तक हम अपने खुद बनाने की काबिल नहीं हो जाते, हमको उनसे पीछे ही रहे। लेकिन हमारे पास भी है, हमने अपना खुद बनवाया है, जो बोलते हैं BMD, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। ये सिमिलर टू जो इज़राइल का एरो एरियल डिफेंस सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने ईरान के स्ट्राइक को ऑलमोस्ट नेगेट कर दिया, बारिंग वन आउट मिसाइल, सारे के सारे उनके जो ड्रोन से मिसाइल से सबको हवा में ही उनको रोक दिया। इसके दो तरफ के हैं, एक होता है एंडो एटमोस्फेरिक, एक होता है एक्सो एटमोस्फेरिक। एंडो होता है जो कि हमारे एटमोस्फेयर के अंदर ही रोक लेता है, और एक्सो होता है जो कि 50 किलोमीटर की ऊंची से ज्यादा ऊंचाई तक की मिसाइल को भी वहीं पर रोक लेता है। तो हमारा फेज 1 में जो था पृथ्वी पृथ्वी एयर डिफेंस व्हीकल जिसको हम बोलते हैं, इसका रेंज तकरीबन 3,000 किलोमीटर था, और इसके बाद था PDV पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, और AAD अश्विन एडवांस AD इंटरसेप्टर्स। ये हमारे फेज 1 के थे, ये इंडिजिनियस हैं, और इसके साथ हमने दो हमारे देश में बनाए गए लॉन्ग रेंज रडार्स भी बनाए थे, क्योंकि ड्रोन और मिसाइल मतलब पूरे सिस्टम का एक हिस्सा है। एक मिसाइल हो गया, उसको गाइड करने के लिए रडार चाहिए, और जो इनकमिंग मिसाइल आने के लिए भी उसको डिटेक्ट करने के लिए रडार चाहिए, ट्रैक करने के लिए रडार चाहिए। इसके फर्दर डेवलपमेंट हमने फेज 2 में हमने बनाया AD-1 और AD-2। AD-2 का रेंज 3,000 से 5,500 किलोमीटर का है, जो हमने अभी हम बना रहे हैं, और काफी हद तक हम इसमें कामयाबी हो चुके हैं। लेकिन जो PLA का जो एयरफोर्स है, उनके पास जो आज के दिन में ड्रोन्स हैं मिसाइल से हमसे थोड़ा सा ज्यादा है। इसराइल ने ईरान के मिसाइल अटैक को अपने एयर डिफेंस से निष्प्रभावी कर दिया। चीन और पाकिस्तान जैसे दो तरफे खतरे का सामना कर रहे भारत ने अपने दुश्मनों के मिसाइल हमलों से बचने के लिए क्या कोई तैयारी की भी हुई? मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा BMD है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, वो हमारे देश में हमने खुद बनाया है, और ये आज के दिन में शायद उतना काबिल नहीं है, लेकिन इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो हर दिन हर साल डिफेंस इंडस्ट्री ऐसा है कि हर साल आपका पुराना चीज सोल्ड हो जाता है, और आप कुछ नए चीज की खोज करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एक साधारण उदाहरण दूंगा, आप ले लीजिए आईफोन, हर दूसरे साल iPhone 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 आईफोन आ जाता है, और हमारे जान पहचान में स्पेशली बच्चे लेटेस्ट आईफोन की मांग करते हैं। मैं तुलना इसकी इसलिए करता हूं कि मान लीजिए किसके पास iPhone 6 है और उसको iPhone 15 चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिला, तो
तो आईफोन 6 भी से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर मेरे पास 1999 का वेपन सिस्टम है, 2024 में अगर उसको मैं इस्तेमाल करूं विदाउट डेवलपमेंट, विदाउट प्रोग्रेस, तो मैं हार जाऊंगा। मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि हर साल मुझे अपने वेपन सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इसीलिए बीएमडी का जो फेज वन था, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, अभी हम फेज टू में जा रहे हैं, आगे भी हम काम करेंगे। और जो हमारी इंटरिम मेजर में, जब तक हम पूरी तरह से काबिल नहीं हो जाते हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, हमने राफेल जहाज इंपोर्ट किया, Su-30 इंपोर्ट किया है, क्योंकि जब तक हमारे तेजस जहाज और बाकी एडवांस एयरक्राफ्ट हम खुद बना के कामयाब या सक्षम नहीं हो सकते हैं, हमको ये गैप फिल करने के लिए हमारे फ्रेंडली देशों से इसका आयात करना पड़ेगा विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया तो हम उसे खुद बना सकते हैं, और एक तो हमको उसका तकनीक मिलेगा और दूसरा हमारा पैसा भी बचेगा, क्योंकि अगर हम सारे के सारे खरीदेंगे वहां से तो हमको ये बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे देखिए, आपने राफेल हमने खरीदा, ये वेरी वेरी एक्सपेंसिव मशीन्स, हजारों करोड़ के एक मशीन आता है। तो हमारी तो आर्थिक स्थिति सुधर रही है, लेकिन अभी भी एक गैप है, हमारे और चाइना के बीच में गैप है। सो हम तैयारियां कर रहे हैं, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो गैप है ये गैप घटता जा रहा है, मतलब हम और काबिल हो रहे हैं। अगर हमको यहाँ पहुंचना है तो शायद हम अभी यहाँ हैं, और ये जो गैप है इसको हम तेजी से कवर कर रहे हैं। युद्ध और मॉडर्न वॉरफेयर में वायु शक्ति ही अंतिम विकल्प है। ऐसे में अपने सभी पड़ोसियों के मुकाबले भारत कितना तैयार है थ्री फ्रंट वॉरफेयर के लिहाज से? थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके बताएं। थ्री जो टू फ्रंट वॉर है, चाइना और जी पाकिस्तान अगर एक साथ हमारे पर हमला बोल दें, ये शायद नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑल दिस वाइल हम पाकिस्तान सेंट्रिक थे, लेकिन हम अभी हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप कंपेयर करें एयर फोर्सेस की, तो हम पाकिस्तान को अभी इतनी मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है, खतरा तो है उनसे, लेकिन वो हम पे हमला करने की काबिलियत उनमें शायद आज नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम वो भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, तो शायद एंड इन ऑल विजडम लड़ाई फुल स्केल वॉर नहीं होगी, लेकिन अगर हुई तो कन्वेंशनल वॉर ही मोस्ट लाइकली होगी, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो ना तो आप रहेंगे, ना तो वो रहेंगे, ना हम रहेंगे, देर बी नो विक्टर, देर बी नो वैंक्विश्ड। लेकिन अगर हम तुलना करें भारत और चाइना की, हम पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हैं, अगर हम टोटल फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, टोटल जहाजों की, उनके पास हमारे दुगुना है, हेलीकॉप्टर्स दुगुना है, नेवल वेसल्स उनके पास हमसे 3 गुना है, डिस्ट्रॉयर्स 4 गुना है, फ्रिगेट्स 4 गुना है, कॉर्वेट्स 4 गुना है, 3 गुना है, सबमरीन 3 गुना है, उनके पास 12 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, हमारे पास टोटल 20-25 सबमरीन है, तो वो हमसे काफी हद तक आगे हैं। लेकिन ये बोला जा रहा है कि 2024 में शायद शायद चाइनीज एयरफोर्स, जिसको PLAAF बोलते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, वो यूएसए को पीछे छोड़ दे, पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। लेकिन अगर आप क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करें तो चाइना के पास इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बहुत हैं, लेकिन क्वालिटी थोड़ा कम है। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, चाइना लास्ट टाइम जब लड़ाई लड़ी थी 1949
ना सी 1979 वियतनाम के साथ, जहां पे उनको जीत नहीं मिली थी, ऑलमोस्ट हार का सामना करना पड़ा था। 1962 में हम हारे थे उनसे, बट 1967 में जब एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, हमने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। सो आज के दिन में इंडियन एयरफोर्स पायलट्स हैव गॉट द कॉम्बैट एक्सपीरियंस। हम आज के दिन भी देखिए बालाकोट स्ट्राइक हम करके आए, तो हमको वो तजुर्बा है, उनके पास ये तजुर्बा नहीं है। उनके सोल्जर्स का लड़ाई लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, वो हाई अल्टीट्यूड के हमारे जो लोग हैं राजस्थान से, उड़ीसा से, बिहार से जाके लेह में लड़ाई लड़ेंगे, तो उनको एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा, वेरियस उनके लोग उन्हीं अल्टीट्यूड में रहते हैं तो उनके लिए आसान है। लेकिन हमारे सोल्जर्स जितने ट्रेन हैं, जितना एक्सपोजर है, जितना एक्सपीरियंस है, ये उनके पास नहीं है। तो अ टू फ्रंट वॉर विल बी अ वेरी डिफिकल्ट वॉर, लेकिन हमारे पास वो काबिलियत है, हमारी सरकार उस इज फुली अलाइव टू दिस प्रॉब्लम, और इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारी देखिए हर तरफ से हमारी सैन्य कैपेबिलिटी बढ़ रही है, चाहे वो शिप्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, और अगर हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना सकते हैं तो और भी बना सकते हैं। इसलिए लड़ाई की संभावना कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम तैयार ना रहें। द बेस्ट वे टू अवॉइड अ वॉर इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर एंड बी सो केपेबल कि जो दुश्मन को सोचने में मजबूर कर दे कि अगर मैं ये मिस एडवेंचर लेता हूं, इन पे आक्रमण करता हूं, तो इसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो हमारा गलवान में हमारे 20 सैनिक मारे गए, उनके भी बोला जाता है 35 से कुछ मरे हैं, वो कभी फिगर्स नहीं बताते, तो उनको अगले बार ये दिमाग में, उनके मन में ये भ्रम रहेगा कि अगर हम उनको अटैक किए तो हमारा भी नुकसान होगा। लेकिन ये बात है, एक जमाने में चाइना वाज पॉपुलेशन उनका सबसे ज्यादा था, आज के दिन में बोथ चाइना और इंडिया अगर मिल जाते, वी आर ऑलमोस्ट 2.8 बिलियन पीपल, 3 बिलियन के आसपास, तो 1/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन हमारे यहाँ है। तो इस मामले में मेरे को लगता नहीं कि अगर लड़ाई हुई, अगर मेरे को लगता नहीं है टू फ्रंट वॉर होगा, अगर हुई तो हम केपेबल हैं, किस हद तक केपेबल हैं ये वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे देश को 1962 का खतरा आज नहीं है, हमारे देश को 1965 का खतरा आज नहीं है, या 1948 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया था वो खतरा आज नहीं है। अब चाइना का एडवांटेज क्या है, देखिए चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ये बहुत केपेबल हो गए हैं। क्वालिटी अगर छोड़ दीजिए, क्वांटिटी उनके पास एक साल में 100 J-20 जहाज बनाने की काबिलियत है, 100 J-11 फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की काबिलियत है, और 40 J-10 एयरक्राफ्ट बनाने की कैपेबिलिटी है। तो हमें भी जैसे HAL एक है, हमें और भी एरोस्पेस इंडस्ट्री को बूस्ट करना पड़ेगा, हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, जैसे हमारे प्राइवेट पार्टनर्स भी हमारे डिफेंस इंडस्ट्री में बड़ी तरह से शामिल रहें और हमारे देश को और स्ट्रॉन्ग बनाने में और मजबूत बनाने में हमारी मदद करें। अब आखिर में आप अपनी किसी यादगार पोस्टिंग या मिशन के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। चाइना की बात करें तो 1986 में एक ऑपरेशन हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, जहां कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से हुई थी। और उन दिनों हम सवेरे 6 से शाम को 6 बजे तक, जब तक हिल्स में आप फ्लाई कर सकते हैं विदाउट मॉडर्न नेविगेशन एड्स, हमने किया था, और चाइनीज बॉर्डर में बहुत सारी ऑपरेशन किए थे, वो भी तैयार थे और हम भी तैयार थे, लेकिन अच्छा ये हुआ कि लड़ाई हुई नहीं और बात वहीं रुक गई।
अगर आप बोलेंगे सेटिस्फैक्शन जो हुई है किसी भी ऑपरेशन में मेरी, तो जब मैं यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में कमांडर था कॉन्गो में, एक बार हमें मिलिटेंट्स अटैक किए थे 2006 नवंबर में, तो मिलिटेंट्स हमारे बेस के 2-3 किलोमीटर के करीब आ चुके थे, और उसी जगह में कुछ सालों पहले पाकिस्तानी ब्रिगेड था और मिलिटेंट्स उनको रन ओवर कर गए थे, कैप्चर कर दिए थे। और जब ये बात हुई तो मैं एयरफोर्स का कमांडर था और जो आर्मी के कमांडर थे वो मेरे साथ डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में, हम लोग एक साथ काम किए थे। तो 3 दिन तक लड़ाई हुई और पहली बार हमने हवा से रात को रॉकेट्स फायर किए। यूएन मिशन में एक होता है चैप्टर 6, एक होता है चैप्टर 7। चैप्टर 6 होता है पीस कीपिंग, चैप्टर 7 होता है पीस एनफोर्समेंट। हम चैप्टर 7 के तहत थे, पीस एनफोर्समेंट। तो 3 दिन बाद जब हमने उनका जो अटैक और पोटेंशियल अटैक था उसको रोक दिया और सारे मिलिटेंट्स को या तो मार दिया या उनको भगा दिया, तो जो कॉन्गो के बच्चे थे वो इंडियन फ्लैग लेके रस्तों पे चल पड़े, बोले कि थैंक यू इंडिया फॉर सेविंग अस। तो जब आप एक सात समुंदर दूर एक देश में जाते हैं, उनके लिए कुछ काम करते हैं और उनके नन्हे मुन्ने बच्चे आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करके पब्लिकली बोलते हैं, तो ये एक हमारे देश के लिए और हमारे लिए एक गर्व की बात थी और सेटिस्फैक्शन इसमें हमको बहुत ज़्यादा मिला। तो सवाल जवाब का सिलसिला यही समाप्त करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ग्रुप कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।